इस लॉट पर हमने इस फार्म में पूरे 1.5 लाख रुपए कमाए, तो वीडियो में बने रहना, बताएंगे किस कैसे हम लोगों ने कमाए और क्या क्या कंडीशन थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद फार्म। तो आप सबको बताने वाला हूँ मैं कैसे वो फार्म किया, कितना प्रॉफिट किया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को रख देना अगली वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा फार्म है। हम लोगों ने लास्ट इसमें पूरे 1600 चिक्स लिए थे और अभी सिर्फ 2-3 बचे, मतलब पूरा एकदम ख़त्म हो गया। ठीक है, हम लोगों ने सारे जो पोल्ट्री वो बेच दिए, मतलब हम लोगों ने सेल पूरा कर दिया पूरा फार्म। देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने, तो बताया आप लोगों को 1600 चिक्स लिया था। लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि कितना पैसा आता है फार्मिंग करके, जो नहीं करते या स्टार्ट करना चाहते हैं उन सबको भी पता चलना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट की बात किया जाए तो आपको बेकार जो फीड होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं बात करने वाला हूँ कि फीड आपको कौन सा खिलाना है। आप थोड़ा फीड के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हम लोग गोदरेज का जो फीड खिलाते हैं वो आप लोग 8 बोरा मतलब 50 kg का जो बैग होता है वो आप लोगों ने 8 खिला दिया, तो आपका फार्म नया होगा तो क्या होगा, 2.8 किलो तक आ जाएगा। और हमारा जो फार्म है ये पुराना है, उसके लिए इसमें आएगा 2.5 किलो। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने हिसाब लगा के देखा है कि जो दवा वगैरह उसके बाद बिजली का बिल सब कुछ मिला के पूरे 28,000 चला जाता है। ठीक है, और अगर आपने वो पोल्ट्री को 160 रुपये में सेल कर दिया मार्केट पर तो आपका प्रॉफिट आएगा पूरे 10,000 रुपये। लेकिन मार्केट पर हर वक्त 160 रुपये नहीं रहता है, कभी कभी लोएस्ट पर 100 भी आ जाता है। ठीक है, और हाई जब जाता है तो अब 200 भी चला जाता है। हमारा इधर 200 कुछ महीने पहले चला गया था और अभी तो 150 से 160 रुपये तक ही है। और आप लोग कोशिश करना कि आपके फार्म में हमेशा जो पोल्ट्री वो रहे, तभी आप लाभ उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। आपने सोचा कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जब पोल्ट्री का मार्केट हाई है तब सोचते हैं कि बच्चा ले लेता है वो, और उसके बाद क्या होता है उसका बच्चा जब बड़ा हो जाता है उस टाइम पे फिर से मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों ने पोल्ट्री के चिक्स ले रखे हैं और आगे जाके मार्केट डाउन होने वाला है। आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कब आपको बच्चे जो है वो लेना है। आपको तभी बच्चा ले लेना है जब देखना आप लोग पोल्ट्री के मार्केट डाउन है। ठीक है, उस टाइम लोग बच्चा नहीं लेते हैं ताकि उन लोगों को लगता है कि लॉस खा सकता है, उसके लिए वो बच्चा नहीं लेता है। उसी कारण से आगे जाके जो पोल्ट्री का मार्केट में पोल्ट्री का चिकन वो शॉर्ट मार देता है, उसके लिए रेट जो है वो हाई चला जाता है। और जिन जिन बंदों ने समझदारी से वो पोल्ट्री के चिक्स ले लिया उसके बाद वो मैच्योर कर दिया तो उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और जो जो समय देख देख कर पोल्ट्री के चिक्स लेते रहते हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे, जैसे हम लोग क्या करते हैं पोल्ट्री का मार्केट डाउन है या हाई हर वक्त पोल्ट्री लेकर रखते हैं। ठीक है, लॉस होगा तो लॉस होगा या अगर लाभ होगा तो लाभ भी हो जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं पोल्ट्री का मार्केट जब भी डाउन होता है तब पोल्ट्री के चिक्स नहीं लेते। आपको मैं बताऊँ, मतलब पोल्ट्री का मार्केट जब भी डाउन गया है उसी टाइम आपको क्या करना है, पोल्ट्री जो है वो ले लेना है, आगे जाके रेट बढ़ने वाला है। आप लोगों ने जितने बार भी, मतलब मैं नहीं कहूँगा, आप लोग खुद सोच के देखो कि पोल्ट्री का मार्केट जब भी डाउन गया है उसी टाइम जिसने बंदे ने पोल्ट्री के चिक्स ले रखे हैं उनको ही प्रॉफिट हुआ है। ये तो मैंने बोल दिया पोल्ट्री के चिक्स कब लेना है, और प्रॉफिट की बात हम लोगों ने किया तो 10,000 रुपये 100 पोल्ट्री के चिक्स पालने से आपको मिल सकता है और 1,000 पोल्ट्री पालने से आपको 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं अभी के टाइम पर। और अगर आपने अच्छे वाले फीड खिलाए, ठीक है, गोदरेज नहीं और भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे फीड्स है वो भी खिलाओगे तो आपका अच्छे प्रॉफिट आएगा। जो कम रुपए का जो फीड आता है वो हमेशा अवॉइड करना, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो दाना खिलाओगे तो क्या होगा आपके फार्म में बीमारी ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, कुछ कुछ फीड देखना वो खाने से आपका पोल्ट्री जो है ज़्यादा लेटरिन करता है और घर पूरा भिगा देता है, उसी कारण से जो है पोल्ट्री में ज़्यादा बीमारी वगैरह आ जाता है और गैस बनने की संभावना रहता है उसी कारण से। ठीक है, तो अच्छे वाले फीड खिलाओगे तो आपका पोल्ट्री स्वस्थ भी रहेगा, डाइजेस्ट भी अच्छा कर पाएगा और वेट भी ज़्यादा गेन कर पाएगा। बहुत सारे बंदे इसीलिए लॉस खा लेते हैं कि उन लोगों ने बहुत ख़राब जो दाना होता है वो खिला दिया, उनको पता नहीं है, डीलर बोल रहे हैं कि, मतलब शॉप का ओनर बता रहा है ये अच्छा है अच्छा है, तो थोड़ा रिसर्च करके देखो कि कौन सा दाना बेटर है। आपने बहुत दिनों से एक फीड खिलाए वो चेंज करके दूसरे जो
पोल्ट्री फार्म का शॉप है उसमें जाके वो दाना खिला के देखो कि कौन सा फीड में आपका प्रॉफिट आता है या बीमारी वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, वही फीड खिलाओ तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक बात मैंने साफ साफ बता दिया कि आपको 100 पोल्ट्री चिक्स पालने से अभी के टाइम पे 10,000 रुपये मिलेगा अगर आपने 160 करके उसको सेल किया मार्केट पर, तो अगर आपने 200 रुपये से सेल किया तो उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ अच्छे टाइम पर जो पोल्ट्री के चिक्स को लेना चाहिए, जब पोल्ट्री डाउन है, मार्केट डाउन है, तभी आपको पोल्ट्री के चिक्स लेना है, उसी बाद उसके बाद क्योंकि हाई जाएगा ही जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। और मेरी बात मान के एक बार आप लोग पोल्ट्री के चिक्स लेकर देखो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप लोगों ने लिया है तो मुझे जितना पता है मैंने उतना बताया, ठीक है। तो आप लोग लेकर देख सकते हो मेरी बात सही या नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं बताऊंगा, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और एक बीमारी या कुछ फार्म की रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखना। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखे उन लोगों को दिल से थैंक यू, आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखे हुए। और बहुत सारे ऐसे 98% लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं फार्म रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और हमारा टोटल 4-5 फार्म है, ये सबसे बड़ा वाला फार्म जिनमें टोटल 2000 चिक्स भी लिया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय।